गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अपने जो हमने अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट रिप्रोडक्शन, इसका जो है सिक्स्थ पार्ट पढ़ेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन का जो है सिक्स्थ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इस पार्ट में जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीड डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेशन, ये सब हमने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अदर मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन का मैंने मीनिंग आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब पुनरुत्पादित करना। जो प्लांट है वो किस तरीके से जो है अपने इसे प्लांट जो है दोबारा उत्पादित करते हैं, ठीक है। और हर प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो है अलग अलग तरीका होता है। अब हम उसी जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट थ्रू द स्टेम, रूट और लीफ। कुछ प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है स्टेम यानी तने का यूज़ करते हैं, रूट या फिर जड़ का, या फिर लीफ यानी पत्तियों का यूज़ करते हैं, ठीक है। सीड के, बीज के थ्रू जो है प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, ये तो आपको पहले से ही पता था कि जो है अगर हमें न्यू प्लांट उगाना है तो जो पुराने वाले प्लांट का सीड है, बीज है, अगर उसे हम सॉइल में डाल देंगे तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टेम, रूट या लीफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम जो है स्टेम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टेम पीसीज ऑफ रोज, शुगर कैन एंड हिबिस्कस प्लांट कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है उसको न्यू प्लांट में या जो है उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए उस प्लांट का स्टेम यूज़ किया जाता है, सीड यूज़ ना करके उस प्लांट का स्टेम यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीड उसमें होता नहीं, ठीक है। जैसे जो है रोज़ यानी गुलाब का जो फूल होता है उसके जो है तने का इस्तेमाल किया जाता है अगर उस प्लांट को आपको दोबारा उगाना है तो, ठीक है। शुगर कैन, आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा तो उसको अगर ग्रो करना होता है तो उसका भी स्टेम का यूज़ किया जाता है। शुगर कैन में ना फ्लावर होता है, गन्ने के पेड़ में ना फ्लावर होता है, ना लीव्स होती है, ना पत्तियाँ होती है, क्या होता है, सिर्फ स्टेम वाला पोर्शन होता है, तो वो स्टेम के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। दीज पीसीज आर नोन एज स्टेम कटिंग प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर आर ग्रोन फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अलावा कुछ जो है प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है यानी ज़मीन के नीचे होता है। इसमें पोटैटो भी आता है, आपने सुना होगा आलू जो है वो ज़मीन के नीचे उगता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो भी जो है ज़मीन के नीचे ही ग्रो करता है, तो स्टेम के थ्रू जो है पोटैटो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। These plants have thick and fleshy underground stem because they store food in them and bear buds on them. New plants grow from these buds when they are kept inside the soil. और जो है जो ऐसे plants होते हैं जिनमें seeds या flowers नहीं होते हैं तो उनमें जो है stem के through reproduce इसलिए होता है क्योंकि जो उनका पूरा food होता है वो भी इसी में store होता है, तो इसी के थ्रू जो है इसी पार्ट को जो है वो दोबारा सॉइल के अंदर डाल के जो है न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अब हम जो है इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम रूट्स, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मैं होमवर्क बता देती हूँ, आपकी बुक में जो डी पार्ट है उसका 1, 2 और 3 आपको जो है करना है, ठीक है। उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है आपको जो है ये ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपनी नोटबुक में।